भगवान देवऋषि नारद की आंख में आंसू। हेलो बाबा, देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा कि मुझसे गलती हो गई जो मैंने निंदा करी और निंदा सुनी। गलती हो गई मुझसे कि मैंने निंदा करी भी और सुनी भी, माना मैंने गलती करी। पर एक निवेदन आपसे, बोल बोल, अब मैं क्या करूं कि शंकर की कृपा मुझ पर हो जाए। अब मैं करूं तो करूं क्या कि शिव की कृपा मुझ पर हो। तो कहा, एक काम करो, चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर बालू रेत का शिवलिंग बनाओ और उसकी पूजन करो। पंडरपुर में चंद्रभागा नदी के तट पर देवऋषि नारद ने भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन की। शंकर की पूजन। और आपको पहले भी कथा में कहा है, ध्यान देना, बहुत ध्यान दीजिएगा। मान लो यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा, मान लो यदि कोई काम कर रहे हो और वो नहीं हो रहा, बहुत तकलीफ आ रही है, घर में बहुत ज्यादा दुख है, परेशानी है, तो शंकर भगवान को एक धतूरा जानते हो ना, जिसमें कांटे कांटे होते हैं, शंकर भगवान को एक धतूरा हल्दी में लपेट कर, हल्दी उसके ऊपर डाल कर और सफेद फूल के साथ में शंकर भगवान के शिवलिंग पर किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर हल्दी लगा हुआ धतूरा सफेद फूल के साथ जो शंकर भगवान के शिवलिंग को 12 शिवरात्रि समर्पित कर देता है, उसके घर में कभी कमी नहीं आती, साथ संपदा बढ़ती है, उसका वैभव बढ़ता है। जिनको कष्ट है, जिनको तकलीफ दुख है, स्मरण करें, मृत्यु लोक का देव है महादेव, वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु, ब्रह्म लोक के देवता ब्रह्मा, और पृथ्वी का अगर कोई देव है तो शंकर भगवान, भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव।